Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of computer. Lesson number 3, more on MS Word 2016. MS Word 2016 के बारे में हमने स्टार्ट करा था कंप्यूटर का ये लेसन नंबर 3 जो की है. इसको ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसमें हमने फाइंडिंग टेक्स्ट एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट पढ़ा था. सो जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप वो वीडियो देखिए. बिकॉज एमएस वर्ड 2016 के हम फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं. इसमें जो सारे अभी तक हमने फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है, नाउ आज मैं आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे. सो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है, सो वीडियो के ऊपर राइट हैंड साइड पे आई आइकन शो हो रहा होगा. जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा बिकॉज उसके बिना ये आपको क्लियर नहीं रहेगा लेसन. तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ेंगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली एज यू टाइप. जो एमएस वर्ड के अंदर जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर अपने आप चेक कर लेते हैं, अपने आप ही हमारी गलती दिखा देते हैं. इट डिस्प्ले वेवी रेड अंडरलाइन टू इंडिकेट पॉसिबल स्पेलिंग एरर. अगर रेड कलर की लाइन होती इस तरह की तो ये हमें इसे इंडिकेट करता है, बताता है कि यहाँ पे आपकी या तो स्पेलिंग गलत है या कुछ आपने कुछ एरर है, गलत कर रखा है. जैसे यहाँ पे इजीयर की स्पेलिंग क्या होती है, ई ए एस आई ई आर, तो ये गलत है, हमने इधर गलत स्पेलिंग लग दी. यहाँ पे हमने स्पेस बार नहीं दबाया, स्पेस बार नीड थी दबाने की तो वो नहीं दबाया, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ गई. एंड डबल ब्लू अंडरलाइन टू इंडिकेट पॉसिबल ग्रामेटिकल एरर. जब ब्लू कलर की डबल लाइन होती है तो वो हमें शो करती है ग्रामेटिकल एरर. कम टू द सेकेंड पेज. सो नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर वेयर ब्लू लाइन आपको शो हो रही होगी द वर्ड्स के नीचे है, द वर्ड्स लिखा है. तो हम एक पर्टिकुलर जो एक ही चीज हो उसके लिए लगाती है, तो द वर्ड लिखो, मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड्स. तो एक टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ ग्रामेटिकल एरर राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद द डबल ब्लू या वेवी रेड अंडरलाइन एंड देन सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव वर्ड और द स्पेलिंग यू वांट. इस वर्ड पे क्लिक करा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा इजियर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए मेरे. यहाँ पे इस तरह का ये खुला, इधर मैंने स्पेलिंग में गई. स्पेलिंग में जाने के बाद मेरे यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस खुल गए जो करेक्ट आंसर्स हैं. जैसे कि देख रहा होगा इजियर, इजर, थोड़ा इसमें ब्लर है क्योंकि ये क्लियरली प्रिंटेड नहीं है वर्ड्स, इसलिए आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, वीडियो में तो और अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे. तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वो आपको ऑल्टरनेटिव वेज दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि आपको ये वर्ड तो नहीं लिखना, ये वर्ड तो नहीं लिखना. जो भी आपका करेक्ट वर्ड हो आप वो फिल कर लीजिएगा. नाउ प्रैक्टिस टाइम में आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में. किसी बड़े को लेके बैठिएगा बिकॉज अभी आप नया सीख रहे हैं तो किसी के अंडर में सीखिए, कोई आपको कहीं आप कुछ गलत ना कर दे, तो इसलिए किसी अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के देखिएगा करिएगा. क्या करना है आपको, एमएस वर्ड 2016 ओपन करना है, उसमें यह टाइप करना है, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मेल Living being is said to be of the masculine gender. A noun that stands for a female living being is said to be of the feminine gender. यहाँ पे आपको चार मिस्टेक दिख रही होंगी. फर्स्ट मिस्टेक क्या दिख रही है, मैस्कुलाइन होता है. सेकेंड मिस्टेक फीमेल. थर्ड मिस्टेक बींग एंड लास्ट मिस्टेक जेंडर. ये मिस्टेक है. तो आप यहाँ पे जब टाइप करेंगे ना इनके नीचे रेड लाइंस आ जाएंगी जब भी आप टाइप करेंगे, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है. तो जैसे ही आप अपनी स्पेलिंग पे डबल क्लिक कर लेंगे तो आपको वो करेक्ट वर्ड्स के ऑप्शन देगा कि क्या हो सकते हैं, तो वहां से आप अपना चूज कर लेंगे. नाउ रीड आउट रिमेम्बर पॉइंट. शो नहीं हो रहा वीडियो में, वेट होल्ड ऑन. When you wrongly type a word but the result is not a wrong spelling. आपने गलत टाइप कर दिया बट जो रिजल्ट आ रहा है वो रॉन्ग स्पेलिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम की जगह आपने फॉर्म लिख दिया, फॉर्म भी एक वर्ड होता है. देयर की जगह ये वाला देयर लिख दिया,
ये भी एक वर्ड होता है, तो इसके नीचे स्पेलिंग चेक कर रेड लाइन नहीं शो करेगा, बिकॉज इस तरह का वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसका मीनिंग हम यूज करते हैं, वो उसी के नीचे रेड लाइन मार्क करेगा जो वर्ड होता ही नहीं, लाइक जेंडर, इस तरह का वर्ड कोई होता ही नहीं है, तो इसके नीचे वो आपको रेड वेवी लाइन शो करेगा। नाउ सम कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, प्रेस F7 टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। F7 की दबाएंगे तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइंड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F, और रिप्लेस टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स तो Ctrl+H, क्या है Ctrl+H। ना यूजिंग थेजरस क्या होता है, पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए। वेट, थेजरस एक रिसर्च फीचर है एमएस वर्ड का, इसका यूज करते हैं। सो थेजरस एक रिसर्च फीचर है एमएस वर्ड का, और इसका यूज किया जाता है साइनोनियम वर्ड्स के। साइनोनियम वर्ड्स वो होते हैं जिसका सेम मीनिंग के कई सारे वर्ड्स होते हैं, एंड एंटोनियम वर्ड्स वो होते हैं अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स करते हो ना आप, उसे कहते हैं एंटोनियम्स। फॉर एग्जाम्पल इसके स्टेप्स क्या है, सिलेक्ट कर लो कोई वर्ड को जो आपको चेंज करना है, उसका साइनोनियम ढूंढना है। रिव्यू टैब में जाएंगे, थेजरस को जो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर थेजरस ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। थेजरस टास्क पेन में जो डिस्प्ले हो रहा है साइनोनियम एंटोनियम का ऑप्शन, जिसपे भी आप क्लिक करेंगे उस वर्ड पे ले जाइए और ड्रॉप डाउन करें, राइट साइड में जो वर्ड दिख रहा है वहां से आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट द इंसर्ट बटन एंड द एग्जिस्टिंग वर्ड इज रिप्लेस्ड विद द, जैसे आप सिलेक्ट कर, जैसे ही देखिए वर्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए मैं थेजरस में, रिव्यू टैब में थेजरस में गए, यहाँ पे इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो थेजरस जैसे मैंने अल्फाबेटिकल लिखा है तो इसको सिक्वेंशियल भी बोल सकते हैं हम, अल्फाबेटिक भी बोल सकते हैं, तो कौन सा वर्ड आपको सही लगे आप उसे चूज कर चाहिए एंड उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो उस वर्ड की जगह। तो इस तरह से आप स्टेप फॉलो करेंगे। नाउ ये कुछ MCQ है, जैसे कि इन विच टैब डू यू फाइंड थेजरस, थेजरस हमें कौन से टैब में मिलता है, रिव्यू टैब। इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में हमें मिलता है थेजरस, प्रूफिंग ग्रुप। क्या थेजरस एंटोनियम प्रोवाइड कराता है, यस, एंटोनियम एंड साइनोनियम्स बहुत, बेसिकली आपको साइनोनियम्स यहाँ पे देखने को दिख रहे होंगे, यहाँ पे अगर एंटोनियम ढूंढने हैं तो आप एंटोनियम में क्लिक कर आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था आपका सेकेंड पार्ट इस लेसन का। इफ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वैसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इफ अगर आपको कोई अलग से स्पेशल वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, साइंस के, इंग्लिश ग्रामर के, एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।